नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 10 में प्रकरण 1 रासायणिक प्रक्रियाओं अने समीकरणों तेना विषे जोईशुं, जेमा रासायणिक प्रक्रियाओं एटले शुं। तो आप रोजिंदा जीवन में जे घटनाओं के जे प्रक्रियाओं थाय छे एमांथी आपणे अमुक उदाहरणों जोईए के उनाळामां ओरडाना तापमाने दूधने खुल्लू राखवामां आवे तो ए दूध बगड़ी जाए छे, तो ए एक रासायणिक प्रक्रिया थई। एवी ज रीते लोखंडने काट लागे जे खुल्ला भेजवाड़ा वातावरण में बहार राखीए एटले एमां रासायणिक प्रक्रिया थई अने काट लागशे। द्राक्षनुं आथवण जे आपणे खोराक रांधीए छीए ए अपना शरीर में खोराकनु पाचन थाय छे, ए अपने श्वास लईए छे, ए आ बधी ज प्रक्रियाओं रासायणिक प्रक्रियाओं छे जे आपणा रोजबरोजनी क्रिया साथे वणायेली। आ रासायणिक प्रक्रिया में शुं थाय छे, केने रासायणिक प्रक्रिया कही शकाय, एना माटे अहींया प्रवृत्ति आपी छे के जे प्रवृत्तिना आधारे आपणे रासायणिक प्रक्रिया केने कहीशुं ए जोईए। आकृतिमां बताव्या प्रमाणे एक बर्नर अने एक मेग्नेशियमनी पट्टी, मेग्नेशियमनी पट्टीने काच पेपर वडे घसी अने सळगावीए तो जे नीचे वॉच ग्लास आपेल छे एमां ए मेग्नेशियमनी पट्टीनो पाउडर बनी जाए छे, एटले के आ मेग्नेशियममांथी मेग्नेशियम ऑक्साइड में रूपांतर थाय छे, जे पाउडर स्वरूपे आवे छे, एटले के तेनी अवस्था बदलाणी। आ याद राखवानुं छे आ प्रवृत्तिमां के तेनी अवस्थामां फेरफार थाय छे। सेम बीजी प्रवृत्ति आपेली छे के एक कसनळी में लेड नाइट्रेटनुं द्रावण लेवानुं जेमां पोटेशियम आयोडाइड नाखवानुं। पोटेशियम आयोडाइडनो रंग कथ्थई रंगनो होय छे अने जेमांथी बनशे एमां रंगमां परिवर्तन थाय छे, एटले आपणे बीजी आ प्रवृत्ति जोई एमां रंगमां फेरफार थाय छे। पछी त्रीजी प्रवृत्ति के जेने आकृति ए बाजू में आपेली छे के कोनिकल फ्लास्क लेवानुं, एमां जिंकना टुकड़ा नाखवाना जेमां उपरथी मंद सल्फ्यूरिक एसिड अथवा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ए उमेरवानुं। तो आ जिंकना दाणा में एनी फरते शुं थाय छे ए जोवानुं अने कोनिकल फ्लास्क अथवा तो आपणे आ कसनळीने आने आपणे अड़कशू एने स्पर्श करशू तो एना तापमानमां शुं फेरफार थाय छे ए जोवानुं छे। हवे एमां ज्यारे आ जिंकनो दाणादार जिंक छे एमां आपणे एक सल्फ्यूरिक एसिड उमेरशू त्यारे तेमांथी वायु निकळे छे अने ए वायु छे ए हाइड्रोजन वायु छे, अने ज्यारे आपणे आने स्पर्श करशू तो एनी सपाटी छे ए गरम थाय छे, एटले के एना तापमानमां फेरफार थाय छे। आपणे पहेली प्रवृत्ति जोई, बीजी अने त्रीजी, ए त्रणना आधारे एक एनी अवस्थामां परिवर्तन आवे छे, रंगमां परिवर्तन आवे छे, वायु उद्भव थाय छे अने एना तापमानमां परिवर्तन થાય છે। એટલે કે જો આપણે આપણી આસપાસ થતા ફેરફારનું અવલોકન કરીએ તો આપણને જોવા મળશે કે આપણી આસપાસ અનેક જુદા જુદા પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થતી હોય છે અને આ પ્રકરણમાં આપણે આવી જ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓનો અભ્યાસ કરવાનો છે। ટૂંકમાં આ અવસ્થામાં પરિવર્તન, રંગ પરિવર્તન, વાયુનો ઉદ્ભવ અને તાપમાનમાં પરિવર્તન આવી કઈ પ્રક્રિયાઓ થાય તો આપણે એવું કહી શકીએ કે એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે। અહીંયા રાસાયણિક પ્રક્રિયાની પ્રસ્તાવના અથવા તો રાસાયણિક પ્રક્રિયા શું છે
એ પૂર્ણ થાય છે।